वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और असाइनमेंट्स जो हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। ये हमारा दिल्ली का स्टूडेंट है, उसके लिए हमने बनाई है। आप देख सकते हैं MCO, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ये एक कोर्स कोड है, MCA 3, MCA 4। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एक कोर्स है जिसकी असाइनमेंट्स उसने बच्चे ने हमसे बनवाई है। देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रही है, एक ही राइटिंग में हमने बनाई हुई है। ये MCO 05, MCO 06 एंड MCO 07। ओके, हम इसको फिर से अरेंज कर देते हैं उसी ऑर्डर में जिसमें ये थी। फिर आपको दिखाते हैं हमने किस तरह की असाइनमेंट बनाई है और आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, आप हमें ना इसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की असाइनमेंट अपनी बनवाना चाहते हो तो हमें ना ऑर्डर दे सकते हो। हम आपकी असाइनमेंट लिख कर सेम हैंड राइटिंग में अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये असाइनमेंट बनाई और कितने पेजेस की बनाई है, ठीक है। आपको क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये MCO 01 है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और मैं आपको अनपैक करके दिखाता हूँ। आपको राइटिंग इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये हर पैकेट के अंदर है। अब आप देखिए, ये रही बनाई हुई असाइनमेंट। देखिए, 2 3 राइटिंग देख रहे हैं ना, सभी पेज पे सेम राइटिंग मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि हम एक राइटिंग में स्टार्टिंग में कुछ और दे देंगे और लास्ट में पेज खराब हो जाए। देखिए, ये हमारा 20th पेज है, देख रहे हैं ना आप। हमने कितने पेजेस की लिखी हुई है, ये 21 24। ओके, लास्ट पेज हमारा 24, मीन्स कि 24 पेजेस में ये कंप्लीट हुई है MCO 01। सो अगर आप भी लिखवाना चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और भी असाइनमेंट दिखाता हूँ जो हमने बनाई हुई है। ये MCO 4 हम दोबारा ऐसे पैक कर देंगे, ठीक है। हम ब्रूनो का हाई क्वालिटी का पेज यूज़ करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ब्रूनो BRUNO। ओके, ये आ गई हमारी फर्स्ट, ये आ गई हमारी सेकंड। ये MCO 3 था इसका कोर्स कोड। देखिए, इस पर पहले हेडिंग देते हैं ऐसे बड़ी बड़ी, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। ओके, देन उसके बाद ये हमने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं लास्ट तक पेजेस आपको दिखाते हैं हम। 19 21, ओके, एंड 24 पेज में ये आके कंप्लीट हुई है। इसको दिखा दिया, ये हो गया। इसको हम पैक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि एक ही असाइनमेंट है वैसी है, सभी नहीं है। देन ये देखिए MCO 04, ये भी 24 पेज में कंप्लीट हुई है। ओके, इसको क्या दिखाना, ये आगे देखिए MCO 05, ये इस पर लिखा नहीं है। देख लेते हैं कितने पेजेस पे कंप्लीट है ये। लास्ट पेज देखते हैं इसका, 24। ओके, मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ओके है ना, फर्स्ट क्लास। इसको हम ऐसे ही डाल देंगे, अलग अलग पैक करेंगे ना, ताकि जब स्टूडेंट को मिले तो उसको प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये अलग पैकेट में हो एंड उसको निकालने और सील करने में, दूसरे उसमें लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए MCO 06, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दिखाते हैं आपको। देखिए, ये राइटिंग प्रोवाइड की हमने स्टूडेंट को, सेम राइटिंग में ही पूरी असाइनमेंट है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। देखिए देखिए, फुल कॉपी लिखी हुई है एंड कहाँ तक गई है, 24 पेजेस, 24 पेज में इसको कंप्लीट किया है। ओके ना, इस तरह से दिल्ली के बच्चे ने हमको ऑर्डर जो दिया था वो 6 असाइनमेंट का था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये कल बाय कुरियर स्पीड पोस्ट इंडिया पोस्ट के थ्रू कल हम इसको कुरियर करेंगे। ये देखिए MCO 07, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी हमने फुल लिखी हुई है, कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी स्टूडेंट की तरफ से। लास्ट पेज दिखाते हैं। एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग होती है, तो जो कस्टमर को पसंद आ जाए, मीन्स कि स्टूडेंट को पसंद आ जाए, ये 21 पेजेस में कंप्लीट हो गई है, वो हम देते हैं। तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका सॉल्व स्कैन, किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्व स्कैन या कोई भी हेल्प चाहिए हो असाइनमेंट के रिलेटेड, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, अब मैं आपको इसको पैक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इसका गम निकल चुका है तो हम इसमें थोड़ी सी गम लगा देंगे, एक सेकेंड।
अब हम इसमें गम लगा देंगे, ओके, जिससे कि ये इधर से बाहर ना निकले, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कंप्लीट ओके है, इसकी गम निकल रही है, इसकी भी निकल रही है। इसमें भी थोड़ी सी टेप लगा देते हैं। एक्चुअली बड़ी बात यह कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिक्स हो जाएगी असाइनमेंट, फिर वो कहाँ पेज एडजस्ट करता रहेगा, उसको नहीं ना पता चलेगा। ये आ गई हमारी सेकंड, ओके, ये भी हो गई। ये MCO 05, इसको भी हम टेप कर देते हैं। एक्चुअली पेपर डालते और निकालते वक्त ये टेप, इसकी जो गम है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, कोई इशू नहीं है, जब इस पर टेप लग जाएगी तो ये निकलेगी ही नहीं। मैं लगा देता हूँ, ठीक, डन हो गई, इसकी गम लगी हुई है। ये हमारी 6 असाइनमेंट का ऑर्डर था, जो कि हमने सेम राइटिंग में कंप्लीट करके दे दिया है। आप भी अपना ऑर्डर करने के लिए हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए असाइनमेंट रेडी करवा देंगे। ओके, ये हो गई हमारी 6 की 6 असाइनमेंट। अब हम आपको दिखाते हैं हम इसको पैक किस में करेंगे। देखिए, ये है एनवलप जिसके अंदर हम इसको पैक करेंगे। इसके अंदर धागा लगा हुआ है तो फटने के तो कोई चांसेस है नहीं, ये दिल्ली आराम से पहुंच जाएगा। ओके, अब हम इसको करेंगे, इसके बीच में डाल देंगे ऐसे करके, ओके ना, ईजली ये बीच में चला गया। बस अब इसको यहाँ पे टेप कर देंगे, टेपिंग का काम रह गया है एंड इस पर एड्रेस लिखना बाकी है। इतना आ जाएगा, ओके ना, इसको हम अच्छे से टेपिंग करेंगे ताकि ये यहाँ से निकले ना। टेपिंग कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम रुक जाइए। ये बुक इसमें चिपक गई थी, बुक अपनी जगह पे चले जाए। ये हो गई टेप्ड, फिर कौन में पेन, ये पेन किस दिन काम आएगा। ओके, ये होगी सील्ड। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों कॉर्नर सील कर देंगे ताकि सफ़र में ये कहीं भी जाए बट ये ख़राब ना हो। टेप वेस्ट हो रही है, चलिए अच्छे से निकालते हैं, नो वरी। मिल गया सर, मैं निकाल देता हूँ इसको। ओके ना, निकल गई टेप। इसको हम इसके जो कॉर्नर है वो सील कर देंगे, मैं भी कर देता हूँ। ताकि इसके कॉर्नर ना फटे, बस बाकी कोई इशू नहीं है। एक साइड से कॉर्नर हो गया सील। ओके, टेपिंग करना जरूरी नहीं है बट हम करते हैं, बिकॉज कि ऐसा है ना कि कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो उससे बढ़िया है कि हम अपना काम पहले से ही ढंग से करके दें। ओके ना, ये इसकी दो साइडें ठीक हो गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो साइडें होगी इसकी सीट्स, वैसे ही फटेगा तो है नहीं बट फिर भी जो हमारा काम है वो हमने करना है। इसका ये थर्ड भी साइड इसकी टेप्ड कर देते हैं। ओके, ये देखिए ये भी होगी टेप्ड एंड फाइनल।
अपर साइड, ये भी हमने कर दी डन। ठीक, फाइनली इसको यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए हमने या तो इसको पूरी टेपिंग करते, बट क्या इशू है कि ये ऑलरेडी अच्छा अच्छी क्वालिटी का एनवलप है, इसमें ज़रूरत नहीं है पूरी फुल टेपिंग करने के लिए। इसमें हमने सिर्फ कॉर्नर एंड जहाँ हम नाम लिखेंगे वो मीन्स कि जहाँ पोस्ट करने वाले का और जहाँ जानी है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पे उसके ऊपर टेप कर देंगे ताकि वो नाम पानी लगने से भी ख़राब ना हो। सो देख लिया आपने किस तरह की क्वालिटी की हम असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी चाहें तो अपना ऑर्डर दे सकते हैं हमें, बेफिक्र होके, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप हमसे सॉल्ट लेना चाहते हैं तो सॉल्ट ले सकते हैं, अगर आप हमसे स्कैन कॉपी चाहते हैं स्कैंड, अगर हैंड रिटन मंगवाना चाहते हैं ऑल इंडिया प्रोवाइड करेंगे हम किसी भी पिन कोड पे, 7 to 8 days के अंदर आपकी कॉपी आपके हाथ पे पहुंच जाएगी। मैं पास करके इसका नाम नोट कर लेता हूँ, देन मैं वीडियो पे आता हूँ। ऐसा है कि ये रेडी तो हो चुका है, अब नाम हम आपको दिखाएंगे नहीं बिकॉज जो जिसकी असाइनमेंट है उसने नाम बताने से मना किया है। सो ये हम कल इंडिया पोस्ट कर देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी असाइनमेंट चाहिए, सॉल्ट, कोई स्कैंड, किसी भी तरह की असाइनमेंट के रिलेटेड हेल्प, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7780847110 पर। थैंक यू।